जम्मू कश्मीर में बुधवार को 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर हुए पहले चरण के मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। धारा 370 हटने के बाद पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में 61% मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी जैसे दिग्गजों के अलावा अब्दुल राशिद की पार्टी एआईपी भी मैदान में है। टेरर फंडिंग केस में जेल की सजा काट रहे बारामूला लोकसभा सीट जीतकर सभी को चौंकाने वाले राशिद ने कश्मीर की जनता से अपील की है कि अगर वे उनकी पार्टी को 20 से 25 सीटें दे दें तो वे महज 3 साल के भीतर कश्मीर मुद्दे को खत्म कर देंगे और मोदी जी को अपने इशारे पर नचाएंगे। अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी एआईपी के प्रमुख शेख अब्दुल राशिद ने दावा किया कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग उनकी पार्टी को मौजूदा विधानसभा चुनाव में 20 से 25 सीटें दे दे तो वह 3 साल में कश्मीर मुद्दे को सुलझा लेंगे। टेरर फंडिंग मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर आए बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद इन दिनों जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार अभियान में जुटे हैं। राशिद ने आज ईटी से बातचीत में कहा कि मैं 3 साल में कश्मीर मुद्दे को सुलझा सकता हूं, लेकिन कश्मीरियों को मुझे 20 से 25 सीटें देनी होंगी। मुझे ताकत मिलेगी तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा, अगर नहीं तो कैसे होगा। उन्होंने कहा कि 22 दिन की अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद उन्हें वापस जेल जाने का डर नहीं है। मैं उसी तरह तिहाड़ जेल वापस जाऊंगा जैसे बाहर आया था। अगर इससे मेरे लोगों का दर्द और तकलीफ कम होती है तो मैं अगले 50 साल तक जेल में रहने को तैयार हूँ। बारामूला लोकसभा सीट में उमर अब्दुल्ला को मात देकर संसद पहुंचने वाले राशिद ने आज है उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सज्जान लोन पर भी आज है निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर इन नेताओं ने तिहाड़ जेल में सिर्फ 6 महीने बिताए होते तो धारा 370 पर बात तक करने की हिम्मत नहीं करती। उन्होंने आगे कहा कि वे नई दिल्ली के एजेंट हैं और विडंबना यह है कि वे मुझ पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझे जेल में रहने के दौरान भी लोकसभा चुनाव में लगभग 5 लाख वोट मिले। रशीद ने यह भी शिकायत की कि पिछले 5 वर्षों में जब वह जेल में थी तब किसी भी क्षेत्रीय दल या उनके नेताओं ने उनसे या उनके परिवार से मिलने तक की जहमत नहीं उठाई। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।